हेलो नमस्ते। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमजोर हैं तो आप नोट्स पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th पीसीएम सॉल्यूशन और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 अवकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव में प्रश्नावली 6G का भाग 2 लेकर आए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो भाग फर्स्ट में हमने बेसिक जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि बेसिक में कैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट का परिभाषा हमने देखा था और उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे निकाला जाता है उसको हमने देखा था। थोड़ा सा उसमें एक चीज अब पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा इरर हो गई थी। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पहला पॉइंट इसमें बताया था, यदि d2y/dx² बराबर a पर ऋणात्मक है तो x बराबर a पर y का मान उच्चिष्ट होगा, लेकिन y का उच्चिष्ट मान होगा, उच्चिष्ट मान होगा, निम्निष्ट नहीं उच्चिष्ट मान होगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आइए, और पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन पहला का पहला डिस्कस किया था, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारा, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। और इसमें क्वेश्चन हमारा है, पहला है f(x)(2x-1)² + 3, जो कि मैंने पिछले क्लास में इसको लगवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और 9 तक चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है f(x)(9x²+12x+3। इससे हमसे ध्यान समझिएगा, निम्नतम मान या उच्चतम मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फलन हमारा दिया है, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे और उसके बाद इसका दोबारा अवकलन करेंगे और यहां से हम dy/dx जो होगा वो 0 के बराबर करेंगे और वो वैल्यू उठाकर हम लोग d2y/dx² में पुट करेंगे। अगर वह माइनस आता है तो हम कहेंगे कि वह जब माइनस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, तो हम कहेंगे कि वह उच्चिष्ट होगा, तो वहां पर मान हमारा जो क्या होगा उच्चतम मान देगा। और वैसे ही जस्ट उसका उल्टा जब पॉजिटिव आएगा तब वहां पर हमारा क्या होगा निम्निष्ट होगा और वहां पर जो वैल्यू निकलेगी वह निम्निष्ट मान होगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले f(x) निकालते हैं। f(x) यहां से क्या हो जाएगा, एक बार अवकलन करेंगे तो इसका ये हो जाएगा 18x+12 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा नियम आता है कि यहां से dy/dx क्या करेंगे, जीरो, अर्थात f(x) क्या कर लेंगे, जीरो करेंगे, यहां से हो जाएगा 18x+12 = 0 होगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा x = -12/18, तो 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x = -2/3 आ जाएगा। अब हम फिर से f(x)/d2y/dx² निकालते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा f(x) हो जाएगा, उसका एक बार और अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा 18 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, धनात्मक आ गया, धनात्मक है, जब धनात्मक आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह क्या होगा निम्निष्ट होगा, ये क्या होगा हमारा निम्निष्ट होगा। ठीक, निम्निष्ट होगा, तो जो ये वैल्यू होगी, तो जब ये निम्निष्ट हो गया जैसे उच्च, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो मान क्या होगा हमारा निम्निष्ट मान होगा, निम्निष्ट, निम्निष्ट मान होगा। ठीक, अब मान, अब ये तो हमें क्लियर होगा कि जो वैल्यू आएगी वो निम्निष्ट मान होगी, लेकिन यह एक्स का वैल्यू कहां पर पुट करेंगे, फंक्शन में, जो हमारा दिया है f(x) = 9x²+12x+3, यहां पर हम x = -2/3 पुट करके यहां से f - 2/3 का मान से पूछा हुआ है, ये हम निकालेंगे यहां से, तो यहां से जगह 9 × -2/3² + 12 × 2/3 माइनस है, माइनस यहां पर आ जाएगा, प्लस 3 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक, तो यहां से देखेंगे तो ये देखिए, ये 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 9 = 9 कैंसिल, ये 3 × 12 कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा
माइनस दो, ठीक, इसका वैल्यू निकल कर आ गया। और ये क्या होगा, निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान कितना होगा, माइनस दो, यही हमारा आंसर होगा। अब देख लिए ना किस तरीके से हम पहचानेंगे कि यह उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, और निम्नतम मान होगा या उच्चतम मान होगा, ठीक। तो मैंने यहां पर देखा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर करते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस क्वेश्चन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स यहां से निकालेंगे तो माइनस इसको मान लेंगे टी, यहां से क्या जाएगा टू टी अर्थात टू एक्स माइनस वन, और इसका करेंगे अवकलन हो जाएगा इंटू वन, और दस का जीरो हो जाएगा, अर्थात यहां से एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा, यहां से मान जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक। अब हम करेंगे एफ डैश एक्स बराबर जीरो, अर्थात यहां से हम एक्स का मानेंगे तो माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो कर लेंगे, तो यहां से एक्स बराबर कितना आ जाएगा वन, ठीक। अब करेंगे हम फंक्शन का दो बार अवकलन, अर्थात यहां से एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, अर्थात दो बार डी टू वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा, ठीक। जब यहां पर माइनस टू आ जाएगा, अब देखिए क्या है, जब माइनस अर्थात ये ऋणात्मक है, ठीक। अब ये जब ऋणात्मक आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, ठीक, उच्चिष्ट होगा, और इसका मान क्या होगा, उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान होगा। अब हमें ये क्लियर होगा कि ये वैल्यू जो देगी वो उच्चतम मान ही होगा। तो यहां से जब उच्चतम मान निकालेंगे क्या करेंगे कि x बराबर वन हम फंक्शन एफ ऑफ x बराबर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दस जो दिया है इसमें हम पुट कर देंगे। जब इसमें हम पुट करेंगे तो यहां से हमारा एफ इक्वल टू वन बराबर आ जाएगा माइनस क्वेश्चन में वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दस, अर्थात ये देखिए ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा दस, अर्थात एफ ऑफ वन बराबर कितना जाएगा दस, अर्थात कह सकते हैं कि उच्चतम उच्चतम मान कितना होगा दस, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर हमारा जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस वन, तो इसका भी वैसा ही करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसका एक बार अवकलन करेंगे, अर्थात यहां से डी डी जी डैश एक्स आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा टू और थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब एक तो इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर में आ गया है, तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर ये हमें सदैव ये क्या होगा, ये धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा। तो जब ये सदैव धनात्मक होगा तो अर्थात कह सकते हैं कि ये जो जी जी है हमारा क्या एक वर्धमान फलन है, तो कोई भी इसमें न ही निम्नतम मान होगा और न ही उच्चतम मान होगा। आइए कैसे क्लियर करते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन के माध्यम से भी इनको सॉल्व करके आप दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं, अब हमारे जी डैश एक्स यहां से आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर, अर्थात जी डैश एक्स जैसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो करेंगे, अर्थात यहाँ पर जी डैश एक्स जीरो कर देंगे, ठीक। तो यहां से थ्री एक्स स्क्वायर बराबर जीरो कर देंगे तो यहाँ एक्स बराबर जीरो आ गया, ठीक। अब एक्स का वैल्यू जीरो आ गया। अब हम करेंगे क्या कि जो हमारा ये जी डैश एक्स है इसका एक बार और अवकलन कर दे, जी डबल डैश एक्स हो जाएगा कितना सिक्स एक्स हो जाएगा, ठीक। अब ये आ गया, अब हमें क्लियर करनी है कि क्या, अब हम जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बेसिक में बताया था कि वहां से हम जी डबल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में जो एक्स का मान होगा वो पुट करके हम लोग देखेंगे। तो यहां से अगर हम बात करें जी डबल डैश एक्स में एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा सिक्स इंटू जीरो अर्थात जीरो। इसमें एक कंडीशन मैंने तीसरा उसमें पॉइंट बताया था कि अगर डी टू वाई बाई डी एक्स, उसमें बताया था मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर जीरो आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि यह फलन ना ही उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब निकालेंगे, ठीक। जो निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी तो हम कह सकते हैं कि यह ना ही यह उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि अब अगर हम जी डैश जो फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन दिया, वहां पर हम एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो जी ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा, ठीक। लेकिन किस पर? 0 पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जब हमारा जी डबल डैश एक्स क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम कर सकते हैं कि जो एक्स बराबर 0 पर हमारा जो फलन है, फलन जी ऑफ एक्स जो होगा न ही उच्चतम मान देगा, न ही उच्चतम मान होगा और न ही निम्नतम मान होगा, ठीक। ये हमारा आंसर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट अब चैनल में पहली बार नए में आए हैं या पहला क्लास स्टार्ट किए देखना, तो इसका भाग फर्स्ट आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने बेसिक इसका पूरे तरीके से अच्छे से बताया था कि कैसे निम्निष्ठ निकालते हैं, कैसे उच्चिष्ठ निकालते हैं, या निम्नतम मान कैसे होता है और उच्चतम मान कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो जो स्टूडेंट नहीं देख सकते हैं वो इसका भाग फर्स्ट देख कर आप बेसिक अपना क्लियर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड में एक्स प्लस टू माइनस वन, ये हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मॉड एक्स प्लस टू मॉड में है धनात्मक वैल्यू अर्थात तो लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब यह कि ये मॉड एक्स प्लस टू या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा इसकी वैल्यू, ठीक। अब देखिए इसमें माइनस वन है तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों तरफ माइनस वन जोड़ लेंगे घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या, अब ऐसे, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या वैल्यू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस वन दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भाग फर्स्ट में जब हम उच्चतम और निम्नतम मान का परिभाषा बता रहे तो उस समय मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो इसी आधार से एग्जांपल मैंने सॉल्व किया था। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप क्या जाए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ये बोला जो एफ ऑफ एक्स है वह ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन अर्थात या तो माइनस वन के बराबर या तो इससे ज्यादा है, इस मतलब माइनस वन से या तो माइनस वन के बराबर या तो माइनस वन से ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि इसका निम्नतम मान माइनस वन है, अर्थात कह सकते हैं कि निम्नतम मान क्या होगा माइनस वन, लेकिन उच्चतम मान क्या होगा ये हम बता नहीं सकते, तो इसका मान क्या है नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहे माइनस वन तो इसका निम्नतम मान निकल गया, लेकिन ग्रेटर देन की बात हो रही है तो यहाँ तो माइनस वन से बड़ा है, वह कितनी कौन सी संख्या हो सकती है ये हमें पता नहीं, तो हम कह सकते हैं उच्चतम मान हमें का मान पता नहीं है, ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं, इसी टाइप का है। छठा क्वेश्चन जी एफ एक्स बराबर माइनस मॉड में एक्स प्लस वन प्लस थ्री, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मॉड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, और जहां पर हमारा एक्स एलिमेंट होगा आर का, मतलब रियल में वास्तविक संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक। ये है, अब देखिए माइनस लगा तो माइनस दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो मॉड एक्स प्लस वन, अब देखिए जब ये नियम होता है इनक्वालिटी का, जब माइनस से दोनों पक्ष में गुणा करते हैं तो इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये क्या ग्रेटर देन था तब लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगा, ठीक। अब हमें देखिए इसमें प्लस दिया तो प्लस थ्री दोनों तरफ जोड़ लेंगे, यहां से माइनस मॉड में एक्स प्लस वन प्लस थ्री लेस देन आर इक्वल टू प्लस थ्री हो जाएगा यहां से। अब यहां से लेकर यहां तक हमारा कुछ दिख रहा है वो हमारा क्या है जी एफ एक्स है, तो जी एफ एक्स बराबर लेस देन आर इक्वल टू थ्री होगा। अब ये बोल रहा है कि जी एफ एक्स का जो वैल्यू है वो या तो मैक्सिमम 3 है या 3 से छोटी है, तो यहां से हम कह सकते हैं इसका उच्चतम मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और निम्नतम मान मालूम नहीं, ठीक, या फिर हम कैसे मालूम नहीं, या तो इसका निम्नतम मान नहीं है, ये भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन सिंपल सा है, एच एफ एक्स बराबर दिया साइन टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ। सबसे पहले करेंगे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एच डैश सी एस निकाल लेंगे,
तो ये आ जाएगा 2 cos 2x और इसका 5 का 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम करेंगे जैसे उसमें करते हैं dy वाई बाई डी एक्स बराबर 0 और यहाँ करेंगे एच डैश x बराबर 0 करेंगे अर्थात यहाँ से आ जाएगा 2 cos 2x बराबर 0 हो जाएगा अर्थात cos 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये cos 0 किसका वैल्यू थे cos 90 अंश का, तो ये जाएगा हमारा cos 90 अंश अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2x बराबर 90 डिग्री यहाँ से कैंसिल कर देंगे और x बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, x का वैल्यू निकल गया। अब हम करेंगे क्या एच डैश एक्स निकला इसका एक बार और अवकलन करेंगे अर्थात यहाँ से निकालेंगे एच डबल डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 2 इंटू कॉस 2x का अवकलन एक बार और करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x अर्थात इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस 4 साइन 2x आ जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे क्या देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है या फिर वैल्यू पुट कर देते हैं x बराबर 45 डिग्री यहाँ पुट करते हैं तो आ जाएगा माइनस 4 इंटू साइन 45 का मतलब 2 इंटू 45 डिग्री अर्थात ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा अर्थात साइन 90 का मान होता है कितना 1 होता है अर्थात ये माइनस 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा डी टू वाई बाई डी एक्स अर्थात एच डबल डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा माइनस 4 अर्थात यह क्या आ गया ऋणात्मक, जब ये ऋणात्मक आ गया तो ये क्या देगा उच्चिष्ट होगा तो यहाँ क्या हो जाए यह क्या देगा उच्चतम मान देगा। अब हमें क्लियर होगा कि अब जो भी वैल्यू एक्स की एक्स का जो वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में वो हमें क्या देगा उच्चतम मान देगा। तो अब हम करेंगे क्या एक्स का मान फंक्शन में रख देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। तो जो हमारा फंक्शन है एच एफ एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5 दिया है यहाँ पर x बराबर 45 डिग्री रख लेंगे तो यहाँ से h आएगा h 45 अंश बराबर ये साइन 2 इंटू क्या जाएगा 45 डिग्री प्लस 5 ऐसा ये देखिए ये हो जाएगा साइन 90 अंश का मान होता है 1 प्लस 5 तो यहाँ से जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका उच्चतम मान होगा 6। यही हमारा आठवां क्वेश्चन हमारा है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड साइन 4x प्लस 3 ये होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का मिनिमम मान माइनस 1 होता है और मैक्सिमम मान प्लस 1 होता है वैसे ही साइन 4x का मिनिमम मान माइनस 1 होगा और मैक्सिमम मान प्लस 1 होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x लेस देन इक्वल टू प्लस 1 ये होगा। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए इसमें प्लस 3 जुड़ा हुआ है दोनों तरफ जोड़ लेते हैं तो यहां से हमारा जाएगा माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन अब यहां जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 3 इसमें जोड़ देते हैं और 1 है प्लस 3 इसमें जोड़ देते हैं तो यहां से हमारा आ जाएगा इसमें से क्या आ जाएगा इसमें से क्या बचेगा 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 ठीक और लेस देन यहां से आ जाएगा 4 अब देखिए मॉड भी लगा लेते हैं तो यहां से हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 का मॉड हो जाएगा ए हो जाएगा 4। अब बात करते हैं निम्नतम और उच्चतम मान का तो यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ x बराबर मॉड साइन 4x प्लस 3 का उच्चतम मान तो यहाँ से इसका उच्चतम मान आ जाएगा 4। देखिए क्या है इसका मान उच्चतम ये बोल रहा है कि जो ये साइन 4x प्लस 3 है इसका मान या तो 4 है या 4 से छोटा है तो मैक्सिमम उच्चतम मान क्या होगी 4 होगी। और वैसे ही निम्नतम मान की बात करें तो यहां से देखिए इसका निम्नतम मान होगा 2 क्योंकि ये बोल रहा है 2 लेस देन आर इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 या तो इतना होगा या इससे छोटा होगा तो निम्नतम मान कितना होगा 2 ये हमारा आंसर होगा। ठीक, या तो 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा इसका वैल्यू तो निम्नतम मान हमारा हो जाएगा 2। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है एच एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स एलिमेंट है इसका माइनस 1 से 1 ये हमको इंटरवल दे रखा है इसी ओपन इंटरवल माइनस 1 और 1 के बीच में ही इसे हमें उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करनी है।
तो यहाँ से हम एच डैश एक्स एक बार इसका आकलन कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एच डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1, और 1 क्या हमारा धनात्मक है, धनात्मक आ गया। और क्या है, जब ये धनात्मक है अर्थात हम कह सकते हैं एच हमारा क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक, और वर्धमान फलन मैंने आपको बता चुका हूं इसलिए आप अच्छे से जानते होंगे, अगर जो स्टूडेंट नए आए तो वो जाकर इस क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जब एच वर्धमान फलन है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक, जब ये क्या कि पहली बार ही अवकलन के ये धनात्मक आ गया और ये एच हमारा क्या एक वर्धमान फलन है तो हम कह सकते हैं कि अतः इसका कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने क्लास को लंबा नहीं किया है, तो आज मैंने उच्चतम मान और निम्नतम मान क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा जितना भी क्वेश्चन है, और इसकी आगे की प्रश्नावली अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछता है, एक क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक दो बार आकलन करना होता है, हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करनी होती है, तो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर भी बाय तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।